क्या है, किसान जो भी है ऐसा नहीं, ये हमारे ही घर की समस्या नहीं है। यहाँ किसान बहुत बदहाल है। खेतों की तरफ से वो जा करके आया है, जहाँ उसने देखा या क्या सोचा, उसके मन में क्या आया, और बस आने के बाद ये घटना हो गई। होगा 3 साढ़े 3 4 लाख के लगभग, ऐसा समझ में आता है। मान लो कुछ बैंक का है, कुछ साहूकारों का है, कुछ गोल्ड लोन का है, ऐसा यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। वो हर तरफ से कर्जा लेके, किसी बीज लेके, अनाज लेके बोते रहे, जिसकी वजह कर्ज की वजह से वो उन्होंने सब ही कर लिया। इस अभी तक तरीके कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ झाँक कोई या पूछने भी नहीं आया, ना झांकने आया कि इसे क्या, यहाँ क्या हुआ है। कोई भी अधिकारी शासन की तरफ से कोई भी नहीं हमारे पास आया है। पहले एक भाई और इस घटना में मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्महत्या उसने भी किया था, इसने ही आत्महत्या किया। यहाँ का सिंचाई का कोई साधन नहीं है, यहाँ का आदमी खेती पर निर्भर है। 11 किलोमीटर की नहर बह रही है, उसमें कभी पानी नहीं आता, यहाँ का पलायन कर सकता है, मर सकता है। हर किसान यहाँ कर्जदार है। इसी उसमें जो है, उसने केसीसी से कार लोन ले रखा था बैंक से, ये 10-10 रुपए के लिए यहाँ हर किसान तबाह है। आत्महत्या करने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कि किसी किसान ने कर्ज से और आर्थिक तंगी से आत्महत्या किया है, लेकिन देखिए कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं कि कई सालों से बारिश नहीं हुई, तो कर्ज तो किसान का बढ़ ही रहा है। जो भी किसान कर्ज लिए है उसका अदायगी नहीं कर पा रहा, तो प्राकृतिक समस्या है। बरसात नहीं होती, किसान की खेती और संसाधन साथ नहीं दे रहे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वर्षा नहीं हुई, तो निश्चित रूप से किसान पर आर्थिक तंगी का बोझ बढ़ेगा। इसके बावजूद भी हम जितनी भी कोशिश होगी सरकार से, जो भी उनको जो है तो सुविधा उपलब्ध हो सकती है, पूरा मैं प्रयास करूंगा।